नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल में हुआ था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध तकरीबन 2 महीने तक चला था। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। दूसरी तरफ इस युद्ध में पाकिस्तान के 1200 सैनिक मारे गए थे। अपने अदम्य साहस, रणकौशल और पराक्रम से भारतीय सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल किया था। कारगिल युद्ध पाकिस्तान सेना के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को वापस लेने के लिए लड़ा गया था। टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरते हुए कारगिल का जंग जीता था। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध की साजिश उस समय रची जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुरानी बातों को भुलाकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। फरवरी 1999 में दोनों देश के मध्य लाहौर समझौता हुआ। भारत इस समझौते के साथ दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधार रहा था, लेकिन पाकिस्तान पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। 1971 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला का समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि अक्टूबर से मई तक, जब कारगिल में तापमान -30 और -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब दोनों सेनाएं अपनी पोस्ट छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मई या जून के महीनों में वापस पोस्ट पर आ जाएंगे। लेकिन साल 1998 में जब भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट छोड़ी, तब पाकिस्तानी सेना ने अपना पोस्ट नहीं छोड़ा और भारत के खाली पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। इस कब्जे के पीछे जनरल मुशर्रफ का प्लान था श्रीनगर लेह हाईवे पर नियंत्रण रखना, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तान का कब्जा हो सके। इस नापाक हरकत का पता भारत को उस समय लगा जब भारत का रहने वाला ताशी नांग्याल नामक एक चरवाहा अपने याक को ढूंढता हुआ कारगिल की चोटियों पर पहुंचा और वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा और ये जानकारी भारतीय सेना को दिया। 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी। जब भेजी गई पेट्रोलिंग पार्टी के साथ सेना का कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब कैप्टन अमित भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई, जिन पर घुसपैठियों ने भारी गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई करते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद हुए। 21 मई को भारतीय वायुसेना ने MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया। कारगिल की जंग को जीतने के लिए तोलोलिंग को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि तोलोलिंग की पहाड़ियों से ही पाकिस्तानी घुसपैठी श्रीनगर ले हाईवे पर नज़र रख रहा था और भारी मात्रा में शेलिंग कर रहा था। तोलोलिंग को फतेह करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल खुशाल सिंह ठाकुर कर रहे थे। विजय या वीरगति का नारा लगाते हुए 18 ग्रेनेडियर्स के रणबाकुरे तोलोलिंग को फतेह करने के लिए निकल पड़े। 18 ग्रेनेडियर्स ने तोलोलिंग को जीतने की 2 बार प्रयास किया, पर सफलता हाथ नहीं लगा। सीधी चढ़ाई, प्रतिकूल मौसम और ऊपर से दुश्मनों द्वारा लगातार फायरिंग की वजह से 18 ग्रेनेडियर्स को काफ़ी क्षति पहुंची। लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णन विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी सहित 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हुए, जिसके बाद तोलोलिंग को फतेह करने की जिम्मेदारी 2nd राजपूताना राइफल्स को सौंपी गई। 12 जून 1999 को कर्नल MB रविंद्रनाथन के अगुवाई में 2nd राजपूताना राइफल्स ने तोलोलिंग पर चढ़ाई शुरू किया और दुश्मनों पर जोरदार हमला बोला। 13 जून को 2nd राजपूताना राइफल्स ने तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा दिया, पर इस जीत के लिए उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ा। मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मापन्नी आचार्य, कैप्टन केंग्रूस, लेफ्टिनेंट विजयन थापर ने अपनी प्राणों की आहुति दी।